स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स ये लेसन नंबर 25 हमारा और ये है माय इंग्लिश बुक 6 का लेसन, जिसके अंदर हम 2.2 द लॉयन द मैन एंड द स्टैचू इस स्टोरी को देखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और इसके अल्फाज मानी भी आपको बताऊँगा, वर्ब की पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म भी आपको उसके में देखना है। आपको अपनी बुक और पेंसिल साथ में रखना है, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, मैन एंड एनिमल्स कुड टॉक टू ईच अदर। बहुत पहले आदमी और एनिमल्स एक दूसरे से बात किया करते थे, यानी बात कर सकते थे। आज तो नहीं करते हैं लेकिन इसके अंदर है, क्योंकि ये ख्याली है, सिर्फ आपको एक मैसेज देना है, इसलिए है ये स्टोरी। वंस अ मैन एंड लॉयन गॉट टॉकिंग। एक दफ़ा आदमी और शेर, जो शेर बबर है, उनके दरमियान में बातचीत हुई, यानी बातचीत कर रहे थे। द लॉयन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। लॉयन को अपनी स्ट्रेंथ पे, यानी ताकत पे बहुत प्राउड था, यानी फ़क्र था उसको। वो कहता है, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा में ये लॉयन कह रहा है, आई एम द किंग ऑफ बीस्ट। मैं हूँ सारे जो बीस्ट, उसको कहते हैं जो जंगली जानवर होते हैं, खूंखार दरिंदे होते हैं एकदम, जो जंगल में रहते हैं, तो उनको बीस्ट कहते हैं। तो वो कहता है कि आई एम द किंग ऑफ बीस्ट, यानी मैं सारे जंगली जानवरों का और खूंखार जानवरों का बादशाह हूँ। आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन, वो कहता है मैं ताकतवर हूँ किसी भी इंसान से। That is why, इसलिए man fear me, इसीलिए इंसान मुझसे डरता है, आदमी मुझसे डरता है। ये शेर ने अपनी जो है तो उसका फ़क्र, उसकी ताकत और वो क्यों इतना ताकतवर है, वो सब उसने बताया कि जंगल के सारे दरिंदे मुझसे डरते हैं और इंसान भी मुझसे डरता है। तो ये उसने अपनी आदमी को बताया, ठीक है। अब इंसान उसका जवाब दे रहा है, इंसान कहता है द मैन वॉज प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस। इंसान को फ़क्र था अपनी ज़हानत पर, अपनी अकलमंदी पर, अपनी होशियारी पर, क्योंकि इंसान के पास शेर की इतनी ताकत तो नहीं है, लेकिन उसको अपनी दिमाग पे, अपनी अकलमंदी पे बहुत फ़क्र था, ठीक है। डोंट फॉरगेट, अब आदमी कह रहे डोंट फॉरगेट, मत भूलो, दैट मैन आर मोर इंटेलिजेंट देन यू आर। आदमी ने कहा कि ये मत भूलो कि इंसान तुमसे ज़्यादा अकलमंद है। That is why, उसने कहा इसलिए they can hunt you, इसीलिए वो तुम्हारा शिकार कर सकता है और capture you, और तुमको पकड़ सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इंसान शेर को पकड़ लेता है और अपनी जहानत की बिना पर वो जो है तो सर्कस के अंदर शेर को नचवाता है लकड़ी के ऊपर। तो ये सब चीज़ें इंसान जहानत के बिना पर करता है। तो शेर को प्राउड है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर और आदमी को प्राउड है अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। दे बोथ बेगन टू आर्ग्यू, बोथ मीन्स होते दोनों भी, तो ये दोनों के दरमियान में आर्ग्यू मतलब बहस शुरू हो गई। अबाउट हु वॉज ग्रेटर, किसके बारे में, कि भाई दोनों में से अजीम कौन है, ये दोनों की जो है तो बहस शुरू हो गई। दे बोथ बेगन टू आर्ग्यू अबाउट हु वॉज ग्रेटर। एट लास्ट, आखिरकार, द मैन टुक द लॉयन टू द स्टैचू इन अ बिग गार्डन। आखिरकार टेक यानी लेना और टुक यानी लिया, तो उस आदमी ने शेर को साथ में लिया और उसको उसने कहाँ पर लेकर गया, एक बिग गार्डन में जहाँ पर एक स्टैचू खड़ा हुआ था। एट लास्ट द मैन टुक द लॉयन टू द स्टैचू इन अ बिग गार्डन, इट शोड द ग्रेट हीरो। और वो स्टैचू क्या दिखा रहा था कि एक ग्रेट हीरो, यानी एक हीरो है जिसको पूरी दुनिया में हीरो माना जाता है, जिसका नाम है हरक्यूलिस, और ये ग्रीस जो मुल्क है वहाँ का हीरो है और वहाँ के लोग ये मानते हैं कि किसी देवता का बेटा है, और इन्हीं रोमन लोगों ने, ग्रीस लोगों ने प्लैनेट्स के नाम रखे, उन्हीं के देवी देवताओं के बच्चों के नामों पर ये प्लैनेट्स के इनके नाम रखते हैं। तो ये हरक्यूलिस को भी एक देवता का बेटा मानते हैं और बहुत ताकतवर मानते हैं। तो ये स्टैचू हरक्यूलिस का है और वो क्या बता रहा है, इट शोड द ग्रेट हीरो हरक्यूलिस स्टैंडिंग प्राउडली। हरक्यूलिस बहुत ही फ़क्र के साथ में खड़ा हुआ है
विद अ डेड लॉयन एट हिज फीट, एक मरा हुआ शेर उसके पैर के नीचे है। आप यहाँ पर शक्ल ऊपर देख रहे हैं कि हरक्यूलिस अपनी ताकत दिखा रहा है और शेर बेचारा नीचे पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि स्टैचू को देख के समझ में आ रहा है कि इंसान ज़्यादा पावरफुल है, ग्रेटर है देन लॉयन, लॉयन से ज़्यादा ग्रेटर है ये। सी दिस स्टैचू प्रूव दैट मैन आर ग्रेटर, क्लेम्ड द मैन, आदमी ने क्लेम किया कि देखो ये स्टैचू ये प्रूव करता है, यानी ये साबित करता है कि मैन ग्रेटर है, किससे, शेर से, लॉयन से, ऐसा उसने लॉयन को दिखाया। अब लॉयन क्या जवाब दे रहा है, वो कह रहा है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लॉयन रिप्लाइड क्विकली, लॉयन ने एकदम फौरन बोला कि बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है, फिर लॉयन कह रहा है दिस ओनली शो दैट द स्टैचू वॉज मेड बाय मैन, उसने कहा सिर्फ ये बता रहा है कि ये स्टैचू आदमी ने बनाया है, यानी ये स्टैचू ये बता रहा है कि ये आदमी ने बनाया है सिर्फ। वो कहता है इफ लॉयन मेड स्टैचू, अगर यही स्टैचू, इसी तरीके का स्टैचू अगर लॉयन बनाता, शेर बनाता, दे वुड शो द लॉयन स्टैंडिंग, तो वो दिखाता कि शेर खड़ा हुआ है एंड द मैन लाइंग डेड अंडर हिज पाव्स, उसके पैरों के नीचे इंसान मरा हुआ पड़ा है। यानी इससे हमको समझ में आया है कि हर एक की कहानी अपने नज़रिए के हिसाब से होती है, हर एक का नज़रिया अलग होता है। अगर वही इंसान ने जो बनाया मूर्ति, उसमें शेर को कमज़ोर बताया, अपने को प्राउडली बताया, बहुत स्ट्रांग बताया, वहीं पर अगर ये शेर बनाता तो शेर इंसान को कमज़ोर बताता, अपने आप को बड़ा बताता। इसीलिए हम अक्सर क्लास में भी देखते हैं कि लोग या बच्चे जो है तो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते, दूसरों को कमज़ोर समझते। वो कमज़ोर बच्चे से पूछो तो वो कहेंगे कि मैं होशियार हूँ, वो कमज़ोर है। तो हर एक का नज़रिया अलग होता है, तो आपको यही इसमें सीखना है। ये कह रहा है स्टोरी के अंदर, अब जो मॉरल इसमें है वो है फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से वी कैन सी दैट द स्टोरी डिपेंड ऑन स्टोरी टेलर। तो हमको इससे पता चला है कि स्टोरी, कहानी डिपेंड करती है स्टोरी कहने वाले पर, कि ये कौन कह रहा है। ठीक है, अगर चोर कहानी सुना रहा है तो वो पुलिस वालों को बुरा कहेगा, और अगर पुलिस वाले सुना रहे हैं तो वो चोरों को बुरा कहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कहानी कौन सुना रहा है। व्हेन समवन एल्स टेल द सेम स्टोरी, अगर यही स्टोरी कोई दूसरा सुनाएगा, दे टेल इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अंदाज में सुनाएगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि चोर सुनाएगा तो वो पुलिस वाले बुरे रहते हैं, और ये, और वही अगर स्टोरी पुलिस सुना रही है तो वो, यानी हर एक की स्टोरी कहने का अंदाज अलग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेसन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अल्फाज मानी जो है तो मैंने थोड़ा तेज़ी से इसको पढ़ाऊँ, और अल्फाज मानी मैंने थोड़े इसमें कमी बताया हूँ, तो आप फ़र्क देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी अल्फाज मानी इसमें दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका मैसेज तो आपको समझ में आ गया है। तो हम अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, जिसके अंदर हम इसकी एक्टिविटीज़ हम पूरी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपको पसंद भी आऊँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।